हेलो एवरीवन, गुड मर्निंग, प्रणाम, नमस्ते, अनि सुभान्ने, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबको फिर से एक बार संजोग राय ब्लॉग्स में स्वागत है। तो आज 26 दिसंबर, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी क्रिसमस बोलना चाहता हूँ। बड़ा दिन का सबको शुभकामना, और आज का दिन आप लोगों का अच्छा बीते, यही आप में स्वर से प्रभु यीशु मसीह से मैं विश करता हूँ। तो अभी आज हम लोग स्कूल का एक टूर प्लान किया गया है, तो अभी आप लोगों को हम आज लेके जाएंगे टूर में, और जहाँ पर हम लोग किस तरह से इंजॉयमेंट करेंगे आप लोगों को दिखाएंगे। और यहाँ से थोड़ा सा दूर, मुझे स्कूल से थोड़ा सा दूर, मतलब कि 60-70 किलोमीटर दूर एक जगह है, सासाराम एक जगह है, जहाँ पर आप लोगों को पता है कि जो हम लोग इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को शेरशाह सूरी का विषय में हम लोग पढ़ते हैं। तो आज शेरशाह सूरी का मकबरा में आप लोगों को लेके जाएंगे, और वहाँ का मनोरम दृश्य आप लोगों को दिखाएंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने जा रहा है, तो आप लोगों को मैं यही विनती करता हूँ कि आप लोग बिना किसी स्किप किए हुए मेरा वीडियो को देखते रहिएगा और इन्जॉय करते रहिएगा। तो अभी हम नीचे जाएंगे, और बस भी रेडी हो रहा है, और बच्चे लोग भी बहुत सारा एक्साइटेड है। तो अभी हम जाएंगे और आप लोगों को वहाँ का व्यू भी दिखाएंगे, और दिखाते वहाँ पहुँचेंगे जहाँ पर हम लोगों का डेस्टिनेशन है। तो चलते हैं और एंजॉय करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों का तीनों बस रेडी है अपने गंतव्य में जाने के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए, तो ये आपका एक बस में हम लोग लेके जाएंगे, बस में स्टूडेंट्स एकदम, देखिए दूसरा बस है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अभी। चलो यहाँ पर अभी गर्ल्स लोग सब लोग बैठे हुए हैं, देख सकते हैं, दे आर फ्रॉम क्लास 4 टू क्लास 9 गर्ल्स। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं बस में, यहाँ पर पीछे आप लोग देख सकते हैं मैम शोभा मैम, हाई बोलिए शोभा मैम, मेरा मैम अभी यहाँ देख सकते हैं मेरे स्टूडेंट्स, और आप लोगों को आगे का व्यू भी दिखा देते हैं। अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, और आप लोग इन्जॉय करते करते अपना सफ़र की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों का आगे का व्यू भी आप लोग को हम दिखाएंगे। देख सकते मेरे स्टूडेंट्स सब लोग एक्साइटेड है। सो व्हाट्स योर नेम? आदर्श कुमार। आदर्श कुमार, विच क्लास? एंड यू आर? सत्यम कुमार। सत्यम कुमार, एंड यू? विच क्लास? 3B। सो वी आर गोइंग टू विच प्लेस? सासाराम ना। सो आर यू फीलिंग इंजॉय? ओके, सो लेट्स इंजॉय। ओके, अभी हम लोग यहाँ पर एक जगह में रुके हैं, जैसे कि ये आप लोग देख सकते हैं मेरा स्क्रीन में, ये पायलट बाबा का आश्रम, ये सासाराम का बहुत ही ज़्यादा मतलब सुप्रसिद्ध जगह है, और आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर अभी हम अंदर जा रहे हैं, और अंदर जाने के बाद में आप लोग को दिखाएंगे। तो अभी आश्रम के अंदर हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर श्री पंचदशानम जूना अखाड़ा महायोगी पायलट बाबा के धाम के अंदर देख सकते हैं। देखा 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 था ना, ए मोम 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 मोम, ओके बढ़िया है बढ़िया है। देखिए अंदर, तो अभी देखिए यहाँ पर तो
अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, देख सकते हैं अंदर का जो व्यू बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनमोहक लग रहा है हमको भी। अभी जा रहे हैं हम लोग और हम लोग के साथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं मंदिर के अंदर। आ गया सब, हो जाएगा, हो जाएगा, सिंगल लाइन में सिंगल हो जाएगा। मंदिर के अंदर हम गए थे मगर मंदिर के अंदर वीडियो नहीं ले रही है, मगर अभी आप देख सकते हैं आप लोग मंदिर का बाहर का ये व्यू बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मन को पवित्र करने वाला है। ये देख सकते हैं, दृश्य देख सकते हैं। तो अभी हम लोग बाहर निकलने वाले हैं, आप बाहर जाएंगे। एता, एता, एता। अंदर यहाँ पर मंदिर के अंदर देख सकते हैं आप लोग हंस और रैबिट भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है अंदर का, बहुत ज़्यादा देख सकते हैं। देखिए तो अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं और उसके बाद में हम लोग अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन शेर शाह सूरी का मकबरा और उसके बाद में तारा चंडी मंदिर है, तो वहाँ पर भी आप लोग लेके जाएंगे। तो देखते रहिएगा और इस तरह से ही मेरा वीडियो को एंजॉय करते रहेगा। तो बढ़ते हैं आगे और चलते हैं नेक्स्ट हमारा डेस्टिनेशन की तरफ, तो एंजॉय करते रहेगा वीडियो। चलो 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 ठीक अंदर देख सकते हैं, शोभित द्वार भी है और यहाँ पर द्वार के अंदर अंदर जाएंगे। यहाँ पर आप लोग ऋषि मुनियों का तपस्या बैठे हुए आप लोग देख सकते हैं जो पुराना समय में किस तरह से ऋषि मुनि तपस्या रहते थे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर अभी देखिए और उसके बाद में यहाँ पर अभी आप लोग को एक और चीज़ दिखा देता हूँ मैं, ये आपका गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा मूर्ति यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अभी बहुत सारा यहाँ पर किस तरह से गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और किस तरह से वो अपनी अपना लाइफ में किस क्या क्या चीज़ किए थे भगवान गौतम बुद्ध ने, ये सारा का सारा चीज़ यहाँ पर अभी आप लोग दर्शाया गया है, ये सब कुछ दिखाया गया है, देख सकते हैं आप लोग। और ये जो इलाका है बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही धार्मिक चीज़ों से परिपूर्ण मुझे पर्सनली लग रहा है और हमको भी अच्छा लगा यहाँ पर घूम के, यहाँ पर बढ़िया लग रहा है। तो अब हम लोग का नेक्स्ट डेस्टिनेशन ताराचंडी मंदिर अभी हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहाड़ी इलाका भी, जैसे कि बड़ा बड़ा स्टोन तब रॉक्स के द्वारा बने हुए ये जो पहाड़ सासाराम का पहाड़ आप लोग दिखाई दे रहे हैं। तो अभी जा रहे हैं अंदर मंदिर के अंदर और उसके अंदर जाने के बाद में मंदिर का व्यू आप लोग को हम दिखाएंगे, तो देखते रहिएगा, अंदर जाएंगे। Thank you.
तो अभी मंदिर भी आप लोग को दर्शन कराया, और उसके बाद में आप उनका लास्ट डेस्टिनेशन शेरशाह सूरी का मकबरा है, और वहाँ पर आप लोग को लेके जाएंगे। तो यहाँ का व्यू आप लोगों को दिखाया, दर्शन कराया। तो अभी थोड़ी देर में हम जाएंगे शेरशाह सूरी के टॉम पर, तो वहाँ पर जाके आप लोगों से मिलते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर शेरशाह सूरी के मकबरे में, और यहाँ से तो मैं अभी आप लोगों को दूर से यह दिखा पा रहा हूँ। तो अभी नज़दीक जाएंगे, और नज़दीक जाने के बाद में आप लोगों से दिखाएंगे नज़दीक का भी। तो फाइनली अभी मैं शेरशाह सूरी का मकबरा आप लोग देख सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं। शेरशाह सूरी असली नाम खरीद खान, भारत के महान शासकों में से एक था, आप लोग देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। और यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आप लोगों को दिखाया गया है, देख सकते हैं। और यहाँ देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक आप लोग दृश्य आप लोग मेरा वीडियो के थ्रू आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और हम भी अंदर जा रहे हैं, और अंदर जा रहे हैं, तो अंदर जाने के बाद में अंदर का व्यू भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो अभी ये जो गेट है, इस गेट को पार करके हम अंदर जा रहे हैं, और सारा का सारा सब चीज़ आप लोगों को आज हम दिखाने का प्रयास करेंगे, दिखाएंगे भी, आप लोग देख सकते हैं। तो ये व्यू अंदर का, अंदर जा रहे हैं, इस तरह का व्यू आप लोग को दिखाई दे रहा है। चलो चलो ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ से, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से हम अंदर जाने का कोशिश कर रहे हैं, और जा भी रहे हैं। दोनों तरफ से आप लोग यहाँ पर झील दिख रहे हैं, जहाँ पर जिसके तरह कारण से ये मकबरा का सुंदरता और ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ देखिए, तो ये है आपका मकबरा का दृश्य। तो देखिए हम भी इंजॉय करेंगे, और आप लोगों को भी दिखाते जाएंगे, तो ठीक देखते रहिएगा। तो अभी देख सकते हैं हम जा रहे हैं ऊपर, सीढ़ी को पार करते हुए ऊपर जा रहे हैं, और हम लोग का स्टूडेंट्स भी ऊपर इन्जॉय कर रहे हैं, और आप लोगों को भी दिखाएंगे, चीज़ भी दिखाएंगे। ले रहा है। अभी मैं मेन मकबरा में आ चुका हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं अंदर, ये मकबरा है मेन, देख सकते हैं अंदर, यहाँ देखिए मकबरा है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यही कुछ है अंदर। यहाँ देख सकते हैं हम लोग स्कूल का सब लोग, हेलो 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 हेलो, एंजॉय कर रहे हो, आर यू एंजॉयिंग ना, ओके ओके वेरी गुड। यहाँ से आप लोग देखिए सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय का मूड में है। यहाँ से भी बाहर का व्यू दिखा देते हैं, यही कुछ है, आज इन्जॉयमेंट का समय है, तो इन्जॉय हम
हम खुद और बच्चे लोग के साथ में इंजॉय करना बहुत ही अच्छा लग रहा है, इंजॉय कर रहे हैं। तो चलते हैं, अब ज़्यादा हम लोगों ने दिखा दिया, उसके बाद अभी हम आपको बाहर लेके जाएंगे, क्योंकि अब खाना पीना भी खाना है हम लोगों को। तो अभी अब जब हम जाएंगे और एक होटल में रुकेंगे और वहाँ पर खाना पीना खाना है, और खाने के बाद में वहाँ पर आप लोग मिलते हैं। देखते रहिएगा, अभी हम आप लोगों से बाहर जाके मिलते हैं। तो ये आपका व्यू को छोड़ते हुए, व्यू के पास छोड़ते हुए हम निकलेंगे और लंच टाइम में आप लोगों से मिलते हैं और कुछ बातें करके आज का ब्लॉग को हम इन करेंगे। तो देखते रहिएगा और इसी तरह से इन्जॉय करते रहिएगा। तो चलते हैं बाहर। तो अभी आप हम लोग यहाँ पर होटल में रुके हुए लंच कर रहे हैं और सब लोग यहाँ पर लंच कर रहे हैं। हम लास्ट डेस्टिनेशन है हम लोगों का, इसके बाद में हम लोग अपना घर के तरफ रवाना होंगे। सब लोग अभी लंच करने में एकदम व्यस्त है, मतलब देख सकते हैं। तो ठीक है, हम भी लंच करेंगे और लंच करने के बाद में अभी मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर। तुम लोग नहीं आया अभी तक? खाने नहीं मिला। ओके, सुधार लेंगे। तो आज का ब्लॉग में आज आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम घूमने गए थे और किस तरह से वहाँ पर इंजॉयमेंट किए अपना और साथ बच्चों के साथ में, किस तरह से यहाँ पर हम लोग टाइम स्पेंड किए। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरा वीडियो को जैसे तैसे शेयर करके बहुत सारे लोगों के पास पहुँचाइए और ये ब्लॉग में ये संजोग राय ब्लॉग्स फैमिली को बड़ा कीजिए। आप लोग यही मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नया कंटेंट के साथ। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। और लास्ट में एक ही बार हम बोलना चाहते हैं, फिर मिलेंगे चलते चलते। सो बाय बाय एंड सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।